सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का ट्रेडर्स लीग की दावत पर हफीज सेंटर का दौरा। वजीर सनत और तजारत का कहना था कि मुल्क पहले ही कर्जों की दलदल में फंसा है, क्या हमने मुल्क मजीद कर्ज लेकर चलाना है या टैक्सों पर अनहसार करना है। जो भी है सबको टैक्स नेट में आना पड़ेगा, टैक्स नेट में आकर आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, फिर जाके अगर मैं इस पर टैक्स दे रहा हूँ ये एक सेपरेट बात है। जैसे जैसे हमारा दूसरा टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, ये 25 रुपए की है, ये 22 की हो जाएगी, ये 15 की हो जाएगी, इस पे 17% कम हो जाएगा। पीटीए हुकाम चंद मोबाइल कंपनियों के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। जो इजारादारी चंद लोगों की, चंद कंपनीज की इजारादारी है, इसको वो पहले दौर में भी कायम थी, आज भी कायम है। तब्दीली आ चुकी है, गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, हम बात भी करते हैं लेकिन हकीकत में ये है कि पुराना निज़ाम चल रहा है, पुरानी ब्यूरोक्रेसी बैठी है और वो इस गवर्नमेंट को नाकाम करने के दर पे है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि ताजरों के दरीना मसाइल खुद हल कराऊंगा। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़।